तो आज सुबह सुबह की सुबह इतनी खूबसूरत थी ना दोस्तों कि आपको क्या ही बताऊं। पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं सुन रही हूँ अनूप की आने वाली मूवी का एक सॉन्ग। इतना खूबसूरत बना है कि जब आप सुनेंगे तो आप कहोगे कि मैंने सच कहा था। और यहाँ अनूप को खुशी से गले लगा के उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि ईश्वर आपको जल्दी आपकी मेहनत का फल दें। और फल से याद आया, आज अनूप ने ब्रेकफास्ट में फल ही मांगा था, ड्राई फ्रूट एंड पपाया खा के वो तो चले गए आगे, और मैं अपनी चाय खुद बना रही हूँ। और यहाँ ढेर सारे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि सीमा हमें तय लगाओ, हमारी जगह पे पहुँचाओ। और यहाँ अनूप ने एक और ठीकड़ा हमारे सर पे फोड़ दिया है, सारे पायदान धो के सुखा दिए हैं, अभी घर में एक भी पायदान नहीं है। अनूप ऐसे ही करते हैं गाइस, हर 15-20 दिन में इनके नंबर लग जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि सामने 3 गुलाब की मोटी मोटी कलियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, लेकिन हाँ फूल खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ना, इतना खूबसूरत लगेगा। ये इंग्लिश रोज़ है और अभी तो बहुत धूप हो रही है। चलो खिड़की बंद करते हैं और घर के अंदर घुसते हैं और काम शुरू करते हैं आज का। आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी, पहले मुझे ज़रूरी काम है वो सब कर लेती हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी आज इन फूलों को हटाना है क्योंकि अब ये ख़त्म हो गए, बेचारे मुरझा गए। तो इनको हटाती हूँ, नहाती धोती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको एक राज की बात बताऊं, मैं ना आज बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। ऐसे मैं बहुत टाइम से कोशिश करती हूँ, बीच में एक दो व्लॉग में क्या हुआ कि मैंने खुद को रियलाइज किया कि मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको स्पीड बढ़ा दिया, उसमें थोड़ा मैं जल्दी बोल गई। आप लोगों ने पकड़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने स्पीड बढ़ा बढ़ा के व्लॉग्स में अपनी स्पीड को बढ़ाया। मतलब मैंने तो नॉर्मली बोला है, लेकिन स्पीड बढ़ा के वो तेज़ 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 हो गया। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ मैं तेज़ 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 बोलूँ। और इस शूट को मैं थर्ड टाइम शूट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ व्लॉग में फास्ट फास्ट बोलूँ। दो कमेंट ले रही हूँ, एक वंदना साहू का और एक दीपिका जी का। दीपिका जी ने कहा था कि सीमा तुम बहुत वेट कराती हो व्लॉग के लिए, पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं सीमा नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, हम आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए, सच में तहे दिल से धन्यवाद कि कोई मेरा भी इंतजार करता है। और दूसरी बात, आप सबके सामने मेरी पूरी दिनचर्या रहती है ना, वो बेटा आ गया मेरा, पूरी दिनचर्या रहती है ना आप सबके सामने मेरी, तो उन्हीं में से कुछ पल निकाल के आप लोगों को देती हूँ तो देर हो जाती है, और दुर्घटना से देर भली। तो आ रही हूँ ना आप लोगों के पास, रात को भी तो लेट के कुछ देखना होता है, तो रात को देखा करो मुझे आराम से। एंड दूसरा, वंदना साहू जी ने कहा था कि ये जो फ्लूट वाली धुन है सीमा, इसको मैं बार बार सुनती हूँ गणपति जी वाली वीडियो में जाके, मुझे बता दो ये कहाँ से ली है। अरे पार्थ हुआ गया। हाँ आज मैंने गोल मारा, एक गोल मारा। अरे भैया तो टोटल गोल 5 है, एक मारने में 5 गोल हो जाते हैं। अरे मेरा मतलब कि मेरे अच्छा, ये जो मुरली की धुन लगाते हो सीमा, ये इसका लिंक दे दो। तो डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो है, आप उसको देखना, उसमें वो पूरी ही धुन आपको मिल जाएगी, आपको टुकड़ों टुकड़ों में सुनने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाली धुन ढूंढने के लिए मुझे पूरा एक दिन लगा था। बुद्धा जी जब हम गए थे ना टेम्पल, तो वहाँ पे जाके जो भी मुझे फील हुआ था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कोई इंग्लिश म्यूज़िक लगे, मैं भी आपकी तरह ही मुरली और म्यूज़िक की लवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो लोग म्यूज़िक लवर हैं उनको ही ये धुन समझ आती है। और दूसरी बात, तो इसको मैंने परचेज़ किया था किसी साइट से, और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिली थी। मैंने कितने ही सैकड़ों म्यूज़िक सुने थे तब ये म्यूज़िक इसीलिए आप तक कनेक्ट कर पाती है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उस दिन कि रोंगटे खड़े होते हैं इस मुरली की धुन को सुन के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक वो है वीडियो जिसमें ये पूरी धुन आपको मिल जाएगी, तो आप सुन लेना आराम से। और ये परचेज की हुई है, इसको आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे ही मिलेगी। और यूट्यूब पे ऐसे ही मिलेगी जैसे मैं आपको दे रही हूँ, येलो ट्यून करके आई थिंक एक साइट थी, वहाँ से मैंने इसको परचेज किया था। और बस आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। मैंने नाश्ता नहीं खाया है, मैं अभी नहा के आई हूँ, जस्ट पूजा कर रही हूँ, तो चलो पूजा करके आते हैं। हे गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है और बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है, मैं और पार्थो दोनों, वैसे पार्थो भी बनाना खा रहा है, तो मैं जाती हूँ फटाफट से कुछ बनाती हूँ, साथ साथ में दिन के खाने की भी तैयारी करती हूँ। क्योंकि विराज को ना 1 बजे तक, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है ना, तो इसलिए 1 बजे तक मैं चाहती हूँ कि खाना बन जाए, तो जब भी अगर वो खाना चाहे तो खा सके। तो और हाँ मम्मा, ये केक बहुत टेस्टी है, ये मम्मी ने भेजा था। पार्थो आपने खाया? बहुत टेस्टी। आपने सबको प्रणाम किया? इनको नेपाली आती है उनके लिए रोजिन छू, जिनको हिंदी आती है उनके लिए प्रणाम, और जिनको इंग्लिश आती है उनको हेलो, और जिनको
फ्रेंच आती है उनको बोंजो, और जिनको जापानीज आती है तो कोनिचिवा, जिनको चाइनीज आती है तो निहो, और जिनको पंजाबी आती है, बबीता आंटी को पंजाबी आती है, बबीता जी को हेलो नो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कैसे करते हैं हाथ जोड़ के, सत श्री अकाल। हाँ, और जो वो है खाला जान वहाँ पे उनको नहीं, इधर आ, इधर आ, सलाम वालेकुम। लीना मौसी को सलाम वालेकुम। तो भाई सब लैंग्वेज आती है हमारे बेटे को, है ना पार्थू? यस, मेरे को जर्मन भी आती है। कैसे बोलते बेटी? का वो शे बोंजो हाय सो मच यू नो वो एन इंग्लिश वन से ने तो समोसे में इंग्लिश बोलते हैं पर उसमें एस लगाते हैं। मुझे समोसा क्यों सुनाई दिया? जर्मन में भी समोसा मिलता है क्या? नहीं, या तुमने समोसा ही वर्ड सुना? नहीं, जैसे मोशन रे और से मीटिंग सुबह में से ले इसे कुछ बन गई इसे इसे नहीं ऐसा नहीं। हाँ। तो जो आपने बोला इसका कोई मीनिंग भी तो होगा। हाँ। हाँ। ये है कि ये मेरे मामा है। तो यहाँ मैंने ना पपीता सुबह अनुकले कट किया था, तो थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया है। और ये है रायता, और ये ना कल के चावल है दिन में जो मैंने बनाए थे। तो पार्थो को ना इसको भर के पराठा खाना है, कह रहा है मम्मा मुझे इसको भर के पराठा बना दो, तो मैं वही बना रही हूँ। तो गाइस पराठा तो बन गया लेकिन पूरा टूट रहा है, क्योंकि ये देखो इसमें ना मैंने चावल ज़्यादा भर दिया और आटा कम हो गया, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बल्कि आज तो मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं, हरा धनिया प्याज हरी मिर्च मिलाओ, थोड़ा नमक अजवाइन मिला के फिर भरो ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट इसने अचानक से मांग लिया ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को खाना भी बनाना है। तो पार्थू लो आ जाओ, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और यहाँ पे राइस चढ़ा दिए, अब मैं जा रही हूँ काम करने। पार्थू यहाँ पे रीडिंग कर रहा है गाइज, और अब मैं तय मारूंगी ये सारे के सारे कपड़े फाइनली। तो गाइज आज है ना पार्थू ने कुछ ऑर्डर करवाया था, पार्थू के लिए कुछ आया है आज, तो देख लेते हैं। और पता नहीं वीडियो में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। एक्साइटेड? आग बंद करो, मुझे नहीं पता। ये मीशो से ना मीशो से मंगवाया फर्स्ट टाइम मैंने, और मुझे खुद नहीं पता कैसा क्वालिटी होगा क्या होगा, ये फर्स्ट परचेज है मेरी मीशो से। ओके पर तू ब्लैक निक करी था। और ओ नहीं, पता नहीं कब से इसको ये वाली टी शर्ट चाहिए थी मैसी की। अरे अरे अभी कभी ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी, तो पता नहीं कब से ना इसको मैसी की टी शर्ट चाहिए थी। लो फाइनली आ गई इसकी मैसी की टी शर्ट। अरे पार्थू ये तो बहुत बड़ी है, अच्छी है। और ये फुल बाजू की क्यों दे दी इन्होंने? हमने तो हाफ बाजू की मंगाई थी। आपने फुल बाजू की नहीं? मैंने हाफ स्लिप की मंगाई थी, जैसा कि मैंने मीशो के बारे में सुना है ना वैसे ही है। हाफ बाजू की मंगवाई थी, हाफ स्लिप की मंगाई थी, और ये देखो फुल आ गई। आया पार्थू ये मैसी की है? तो इसमें फीफा भी लिखा है। ये रही पार्थू की फर्स्ट फुटबॉल मैसी वाली ड्रेस, मैसी लिखा हुआ है इसमें। चल पहन के दिखाएगा, चलो उतार इसको, इसको पहन ले तो, इसको जान दे से पहन के आजा। तो पार्थू ना बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, मीशो से मेरी फर्स्ट परचेज है गाइज, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो ऑर्डर किया था वो नहीं आया, कुछ और ही आ गया है, ऐसा मैंने मीशो के बारे में सुना था। आप में से किसी ने मीशो से अभी तक कुछ भी मंगाया है और क्वालिटी कैसी निकली प्लीज़ मुझे बताना, ये मेरी फर्स्ट परचेज है मीशो से। तो मुझे अपने दोस्तों को बता रहा है, वन टू थ्री। ओहो ओहो, इधर आओ, इधर आके दिखाओ, थोड़ी सी टी शर्ट बड़ी है पर कोई बात नहीं, ठीक है
बहुत जल्दी जल्दी पड़ती, नहीं अंदर नहीं डालना बस इतना। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब ये तो सही है। ये देखो ना निक्कर के अंदर, निक्कर के ऊपर निक्कर पहन के आया है गधा। देखो इस पे एडिडास भी है। ओहो और फीफा लिखा है। ओहो वैसे वैसे चेस्ट वाइज देखे तो सही आ रही है, मैंने 9 से 10 साल का मंगाया था इसको। ठीक है जाओ रख लो हैप्पी। ठीक है कल पहन के जाना। तो गाइस पार्थू तो बहुत खुश हो चुका है अपने कपड़ों से और मेरे राइस भी बन गए। इस बीच में मैं राइस भी बना के आ चुकी हूँ और फटाफट से बस अभी तक ये कपड़े तैयार लगे नहीं है। प्रेस वाले कपड़े मैंने अलग निकाल दिए हैं और मैं कर रही हूँ बस फटाफट। तो ही गाइस कपड़े तैयार लगा लिए और ना अभी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी इस टाइम है ना 12:15 अपना काम वाम करके निपट जाती हैं तो फिर रेस्ट करती हैं, तो बातें करी मुझसे थोड़ा सा। और आजकल मम्मी वॉइस रिकॉर्ड जो भेजती है ना कभी कभी मुझे भेजने के चक्कर में कहीं और भेज देती है और किसी और का मुझे भेज देती है, ऐसे करती हैं। तो बस मम्मी से बात करने लग गई थी। खाना आधा पक गया है आधा रह गया है, मतलब अभी सब्जी बनानी बाकी है। तो मैं सोचा चावल के संग ना सीताफल की सब्जी, कद्दू की सब्जी और रायता बनाऊँ। रायता खाना बहुत ज़रूरी है, गर्मी हो गई है तो कुछ तो ऐसा ठंडक जाना पेट में ज़रूरी है। तो सैलेड तो आप सबको पता है हमारे घर मोस्टली बनता ही बनता है, तो जैसे गर्मी आ जाती है ना फिर हम सैलेड से रायते पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा रायता जैसा कल बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा राइस बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ सीताफल कट करूंगी। और मैं ना सीताफल को छिलके सहित ही कट करती हूँ क्योंकि ये हरा है ना फ्रेश है। और आप लोग कैसे बनाते हो बताना, तो फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये गाइस मैं ना तड़का लगाऊंगी हींग, कलौंजी, मेथी, राई, जीरा और सौंफ से। तो ये सौंफ का पाउडर है, मैं जानबूझ के पाउडर बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मेथी डालूंगी और तेल डाल दिया है यहाँ पे और यहाँ मेरा सीताफल भी धुला पड़ा है। अब पता नहीं वॉइस ओवर करूँगी कि इतना शोर आ रहा है बाहर से। और यहाँ पे लहसुन को भी खींच लेती हूँ। सबसे पहले मेथी, हाँ मेथी डाल। हाँ जी खाओ ना, रखा तो है बाबू, खाओ खाओ खाओ, देखो कितना सारा रखा है। तो सबसे पहले मेथी क्योंकि मेथी ज़्यादा टाइम, तुम ही बता दो रेसिपी बेटा। इसके बाद कलौंजी, इसके बाद राई, इसके बाद जीरा, सौंफ, हींग, लहसुन और ये गई हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ इसलिए लाल मिर्च बहुत कम डलेगी, तो थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा ना, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो बस सीधे इसमें अब ये डाल दूँगी और नमक और हल्दी डाल के भूनती रहूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी पड़ेगा गाइस। तो इसी तरह से बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। खट्टा मीठा बनाना चाहो तो थोड़ा सा गुड़ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊँगी। इसको देख रहे हो इसको, तो बस हरी मिर्च के ऊपर बबल आ गए हैं और ये रेडी है। अब आप चाहो तो इसी में हल्दी भी डाल देती हूँ कभी कभी और कभी कभी। भाई आज कुकू रेसिपी नहीं बताने देगा मेरे को, है कुकू? हाँ हाँ हाँ, क्या खाना नहीं दिया मैंने? खाना दिया तो है बाबू। Save me
other thing going to do where's alive I where's my shy head is this call living I don't know where's the life I so hey guys khana bana ke aa gayi hu bahut zyada thakan ho gayi tab se एग्जैक्ट एक घंटे में सब्जी चावल रायता बर्तन धो के सब कर कुर के आई हूँ। अब बस ये लोग आते होंगे, अभी 1:30 बजे हैं, बजने वाले हैं, तो बस ये लोग आएंगे तो फिर खाना खाएंगे एंड उसके बाद बर्तन वर्तन मांज के फिर मैं एडिटिंग में बैठूंगी और शाम को मिलूंगी चाय पे आपसे। खाने का टाइम हो गया गाइस, हम कैसा बाबू सही गाइस, मैंने पूजा कर ली है और किसी ने लिखा था कि सीमा आप मूर्तियों पे तिलक नहीं लगाते, पॉजिटिविटी आएगी, तिलक वगैरह करो। तो इन मम्मी जब थी ना, मम्मी सब में तिलक करती थी, इवन काल वो गीला करके लगा रहे थे, तो मैंने बड़े भारी मन से कहा था मम्मा प्लीज़ तिलक मत लगाओ क्योंकि मूर्तियाँ ना फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो जो पूजा वाली मूर्तियाँ हैं वो मंदिर में हैं और इनका भी मतलब वही मान सम्मान है, बस पूरा जो ये मूर्ति है ब्रास की ये काली ना पड़ जाए बोल के मैं इसको टीका नहीं लगाती गाइस, बस और कोई रीज़न नहीं है। एंड भगवान ने चाहा कभी बड़ा सा मंदिर हो, सारी मूर्तियों को एक साथ स्थापित करूँगी तब इनके चरणों में टीका लगाने के लिए कुछ ऐसा मैंने सोचा है कि इनके चरणों में टीका लगा पाऊँ, ऐसा कुछ करूँगी, बाकी और कुछ नहीं। तो बस अब ना मैं क्या सोच रहा हूँ, आज है 1 अप्रैल, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि विराज को मैंने कल बोला था कि पार्थो की जो बुक बाइंडिंग करने के लिए दी है ना वो लेके आ जाना, तो मैं उसने बोला था ठीक है मैम, तो मैंने सोचा अभी मैं ना उसको कॉल करती हूँ और बोलूँगी कि मैं बुक लेने आ रखी हूँ, जब तुम जाओगे तो मुझे लेते हुए जाना और वो मुझे ढूंढता रहेगा देन उसके बाद मैं उसको बताऊँगी अप्रैल फुल। तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि पता नहीं मतलब किसी को परेशानी ना हो, लेकिन चलो करते हैं, अप्रैल फुल है, बुरा ना मानो अप्रैल फुल है, चलो करती हूँ। तो अप्रैल फुल नहीं बन पाया क्योंकि विराज को मैंने कॉल किया तो बोला मैम मैं तो आज जिम ही नहीं गया, मैं तो ऑफिस में हूँ, तो मेरा खुद का अप्रैल फुल बन गया। तो अब कल आएगी बुक और अनुप जो गए कहीं गए हैं लोकेशन के लिए, तो कुछ नहीं बन रहा, बस मेरा खुद का अप्रैल फुल बन गया गाइस। तो चलो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सोचती हूँ क्या बनाऊँ। जब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती हूँ पता है मैं क्या करती हूँ, मैं पहले आटा गूंथ के रोटी बना लेती हूँ, फिर मुझे बहुत ही ईजी लगता है, अब तक कुछ भी सब्जी बना लेंगे, रोटी तो बनी हुई है, ऐसा कुछ माइंड में आता है। तो बस अपने काम को हल्का करना है, अब मैं रोटी बनाती हूँ। आज मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी सच में, उस दिन उज़्मा कह रही थी नहीं दिखाऊंगी बोलते हो दीदी और सब दिखाते हो, तुम्हें पता है पाकिस्तान से खाला के बहुत सारे मैसेज आए और खाला मुझे गुस्सा करती है, तुमने बोला मैंने बर्तन धो दिए, अभी रिसेंट ही कुछ दिन 2 दिन पहले मैसेज आया खाला के, सब्जी नहीं दिखाई सीमा, बर्तन धोते हुए नहीं दिखाए सीमा, खाते हुए नहीं दिखाए सीमा, सब दिखाओ सब देखना है। तो खाला जान ऐसे सब दिखाना पॉसिबल नहीं होता, 15-20 मिनट में सब दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो कभी कुछ और कभी कुछ दिखा पाती हूँ, तो सेम एक जैसा नहीं रह सकता है ना, तो इसलिए आज मैं ज़रा खाना बना लेती हूँ, अब नहीं दिखाऊंगी। मैं कुछ नहीं दिखा रही, तुम लोग अपने आप आई हो किचन में, मैंने तो मना किया था, मैं तो भजन सुन रही हूँ रोटी बना रही हूँ, आप लोग खुद आए हो, फिर मत कहना कि दिखाती रहती हूँ ब्लॉगिंग में। तो ये गाइस खाना बना लिया और 9 बजने वाले हैं, अभी तो कोई आया ही नहीं है आज, अनु कहीं लोकेशन जैसे मैंने बताया था देखने गए हैं और विराज ऑफिस में ही है, पार्थो बहुत सारे बच्चों को लेके आया था, मैंने डांट के भगाया कि नीचे लेके जा, पता नहीं रोज उसको क्या मजा आता है, सब बच्चों को लेके आ जाता है गाइस यहाँ पे, और मतलब इतना हुड़दंग मचाते हैं ना, कभी कभी तो अच्छा लगता है लेकिन एवरी डे नहीं चल सकता ना, क्योंकि इतने सारे बच्चों की फिर एक को प्यास लगती फिर सबको प्यास लगेगी, अभी पता है 5-6 बच्चों को लेके आया था और रोज़ डांट खाता है कि पार्ट नीचे खेल ऊपर, मतलब बहुत दुखी करता है, कभी कभी तो सच में बहुत दुखी करता है पार्ट, अभी आएगा ना तो बहुत डांट खाएगा, क्योंकि मुझसे कह रहा था मम्मा मैं नहीं बोलता, सारे बच्चे बोलते तेरे घर चले, और बच्चे आके कहते हैं आंटी ये बोलता है कि मेरे घर चलो, आप बताओ कौन सच्चा कौन झूठा। तो गाइस बस ऐसे ही दिनचर्या है हमारी, आपके संग बीत रही है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बहुत देर हो गई है, मिलूँगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लबो ऑल आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, आपके जीवन में ढेर हो खुशियाँ आएँ ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलूँगी कल, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दे देना, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बनना हमारे जीवन का हिस्सा। बाय गाइस, लव यू।
me other thing going to do.